हाय स्टूडेंट्स, आई एम राजेश कुमार, योर केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम SVM सिनेटी। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट टू स्टार्ट करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट टू है, उसमें क्या क्या हम लोग स्टडी करने वाले हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद सेल का EMF क्या होता है, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में क्या अंतर होता है सेल के लिए, और सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसका क्या एप्लीकेशंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर डिवाइसेस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शंस। हेंस एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन के द्वारा देने का मतलब है कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आज हम लोग एक गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है डेनियल सेल। डेनियल सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड। यानी डेनियल सेल कॉन्सिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड, डिप्ड इन ZnSO4 एंड CuSO4 सॉल्यूशंस रिस्पेक्टिवली। दीज सॉल्ट सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। कॉपर इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड RHS इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड, वाइल जिंक इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड LHS इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एनोड। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ EMF। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो गैल्वेनिक सेल डेनियल सेल के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक जिंक इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि ZnSO4 सॉल्यूशन में डूबे रहते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबे रहते हैं, और दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन को एक सॉल्ट ब्रिज सेपरेट करता है, जो कि इन्वर्टेड यू ट्यूब है, आप डायग्राम में देख रहे हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, जिसको कैथोड कहा जाता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है। और जिंक इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, जो कि एनोड होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। और जो सेल रिएक्शन होता है वो हम नीचे प्रदर्शित किए हुए हैं। बच्चों देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है डेनियल सेल में। ये डायग्राम दिखा रहा है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, किस तरह से जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों। अब हम लोग देखेंगे गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या अंतर है। उससे पहले थोड़ा सा गैल्वेनिक सेल के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में लेंगे। गैल्वेनिक सेल जो होता है, इन गैल्वेनिक सेल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। पॉइंट नंबर टू, इन गैल्वेनिक सेल बोथ इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, इट रिक्वायर्स अ सॉल्ट ब्रिज। इन गैल्वेनिक सेल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। उसी तरह दूसरे तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में देख रहे हैं। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोथ इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन अ सिंगल सॉल्ट सॉल्यूशन, इट डज नॉट रिक्वायर ए सॉल्ट ब्रिज। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। तो आप देख पा रहे हैं गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग एक बार और अच्छा तरीका से समझ पाते हैं। गैल्वेनिक सेल में हम लोग को पता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। गैल्वेनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड जो है अलग अलग सॉल्ट सॉल्यूशन में, अलग अलग बर्तन में डूबे रहते हैं,
जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन एक ही बर्तन में एक ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डूबे रहते हैं। गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती। गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं गैल्वेनिक सेल का डायग्राम और यहाँ देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम। यानी बच्चों आप समझ गए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कैरी करते हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है सेल का। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स व्हेन सेल इज नॉट इन फंक्शन इन अ सेल इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। हम लोग को पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सेल फंक्शन में नहीं है तब हम उसको ईएमएफ कहेंगे। इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज विच अ सेल कैन सप्लाई। कोई भी सेल जो है जितना मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई कर सकता है उसे भी हम ईएमएफ कह सकते हैं। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज गिवन बाय ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड आरएचएस माइनस ई स्टैंडर्ड एलएचएस। इन अदर सेंस ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर ओपी जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, आरपी को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। चलिए अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। सेल के ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले ईएमएफ के बारे में थोड़ा जानकारी ले ले रहे हैं। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स व्हेन द सेल इज नॉट इन फंक्शन। इट इज़ मैक्सिमम वोल्टेज विच अ सेल कैन सप्लाई। इट इज़ अ थ्योरेटिकल वैल्यू। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ द सेल। दूसरे तरफ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स व्हेन द सेल इज इन फंक्शन। इट इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इट्स वैल्यू कैन डायरेक्टली मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। अब हम लोग यहाँ फिर से एक बार देख रहे हैं डिफरेंस क्या है। दोनों के बारे में जानकारी हो गई, अब हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सेल फंक्शन में नहीं है तब हम उसको ईएमएफ कहेंगे, लेकिन जब जब सेल फंक्शन में होगा, जब सर्किट ऑन रहेगा, तब हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस ही सेफ कहेंगे। ईएमएफ जो है मैक्सिमम वोल्टेज है जो कोई सेल सप्लाई कर सकता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ के तुलना में थोड़ा सा कम होता है। ईएमएफ जो है थ्योरेटिकल वैल्यू है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ईएमएफ को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अगर पता है उसको ऐड करने पर हम लोग निकाल सकते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग डायरेक्टली वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बच्चों हम लोग सॉल्ट ब्रिज के बारे में देखते हैं। इट इज एन इन्वर्टेड यू ट्यूब कंटेनिंग KCl, KNO3 और NH4NO3 इन अगर अगर सॉल्यूशन। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये इसमें या तो पोटेशियम क्लोराइड होता है या पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट होता है एक इन्वर्टेड यू ट्यूब में, जिसमें पेस्ट बना होता है अगर अगर सॉल्यूशन में मिलाकर। फॉलोइंग आर द मेन एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। पॉइंट नंबर वन, इट प्रिवेंट्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि सॉल्ट ब्रिज का क्या रिक्वायरमेंट है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो वो दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन को मिक्स होने से बचाता है, रोकता है।
पॉइंट नंबर टू, इट डेवलप्स कंडक्टिविटी बिटवीन सॉल्ट सॉल्यूशंस बाय आयनिक कंडक्टेंस मेथड। ये दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच कंडक्टिविटी भी बरकरार रखता है लेकिन आयंस के मूवमेंट के द्वारा, जिसको हम लोग आयनिक कंडक्टेंस मेथड कहते हैं। इट डिटरमाइंस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, दैट मीन्स EMF ऑफ द सेल। सॉल्ट ब्रिज EMF निकालने में भी मदद करता है। इट इज़ डिनोटेड बाय डबल वर्टिकल और सिंगल डॉटेड वर्टिकल लाइन ड्यूरिंग सेल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों जब सेल रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम लोग डबल वर्टिकल पैरेलल लाइन या सिंगल डॉटेड वर्टिकल लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर हम लोग सॉल्ट ब्रिज दिखाए हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, किस तरह इसका डायग्राम है आप देख रहे हैं अच्छी तरीका से। थैंक यू बच्चों, फिर कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 3 के साथ हम हाजिर होंगे। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ पीछे पार्ट 1 में जो भी पढ़ाए हैं, जो भी होमवर्क मिला है उसको बनाइए, कुछ प्रॉब्लम होता है उसका क्वेरी कीजिए। धन्यवाद।